जैन दोस्तों नमस्कार, चाय पिलो भाइयों। दोस्तों अपने मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और कल नई साल थी, मेरे पास बहुत सारे ढेरों विशेष न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के मैसेज आए मेरे पास। उन सभी मित्रों को मैं दिल से जेके जैन सोल्यूशन आगरा की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। दोस्तों मेरा तो मानना यह होता है कि हर दिन हर मोमेंट हर पल नया होता है। किसको पता हर पल यहां जीवर जियो, किसको पता कल हो ना हो। तो हर पल ही नया साल है, बाकी ईश्वर से कामना करते हैं पिछली साल 2020 की तरह ये 21 नहीं जाए और ये कोरोना वरोना महामारी है इससे प्रभु निजात दिलाए। और चलिए इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो बोलते हैं सर आप प्रोफेशनल तरीके से वीडियो शूट नहीं करते हो। प्रोफेशनल तरीके से मतलब कोट वोट पहन के और अच्छे से और अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से किसी ऑफिस में ऐसे करके। देखो भैया, हम है देसी आदमी गांव के, ठीक है शहर में तो रहते हैं बट हैं हम गांव से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए आदमी। अपन का ऐसा मानना है कि बनावटी चीज काफी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। अपन नेचुरलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है जो है वही है और वही सही है। हम तो हम जो है जैसे माहौल में जो भी मुझे जो भी कपड़े पहने हूं, अभी देखो ये इनर पहने हूं गरम, ठीक है कोई कपड़े नहीं ओनली इनर है सर्दी की वजह से, इसमें वीडियो शूट कर रहा हूं, मुझे नेचुरलिटी चाहिए। आई कैन नॉट बिलीव एट द ये जो दिखावटीपन है इसमें मुझे विश्वास नहीं है। तो मैं जो नेचुरल हूं नेचुरली रहना चाहता हूं, ना कोई साज सिंगार ना मेकअप और ना कोट पैंट वगैरह कुछ नहीं है। कोट पैंट पहने हो तो कोट पैंट मैं कर दूंगा, अगर नहीं पहनू तो मैं वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा चेहरा वेहरा धोके कोट पैंट, मेरा ये सब मानना नहीं है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं मित्रों, बहुत ही अमेजिंग चीज है ये, मेरे गले में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या बुर्ज खलीफा चैन। हाँ दोस्तों नई चैन आई है, बहुत ही यूनिक डिजाइन है ये, लेकिन इसकी मशीन बहुत महंगी है, 10 लाख का सेटअप है, 10 से ऊपर का। ये बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा खलीफा के बारे में जानकारी देने के साथ साथ इसका जो लॉक है ना इसके बारे में बताने वाला हूं आपको। तो मित्रों ये मेरे पास है, इसको बोलते हैं हम बुर्ज खलीफा चैन, ठीक है इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ा हुआ है और उसकी जानकारी दूंगा। अब ये जो चैन को हम जब जोड़ते हैं सिरे पे तो एक तो ये नाका लगाते हैं, इसको आप बाई हैंड बना सकते हैं, मशीन भी है इसकी, भी मशीन भी दिखाएंगे, अभी हमने दिखाई नहीं है इसलिए हम बेच नहीं रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, अब ये नाके के अंदर प्रो डालते हैं ये हम क्या लॉक एस लॉक। अब ये लॉक बनाने की मशीन है तो ऐसे ही खेल खेल में बनाई थी भैया हमने, किसी की मशीन को देख के बनाई थी तो बहुत मजा आया, इसकी बिक्री बहुत ज्यादा भी है, इसके ऑर्डर पर ऑर्डर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अभी मेरे पास ये मशीन है तो मैं थोड़ा बीमार हो गया था सर्दी की वजह से, उदयपुर गया हुआ था, ठंड लग गई, आने के बाद तो 3-4 दिन का रेस्ट लिया है, डिले हो गई मशीन और कुछ निकल करने में डिले हो गई। तो ये जो कुंदा है ना इसका लॉक, ये वाला लॉक, इस लॉक को बनाने की मशीन के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बनता है, पूरा डेमो करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो सभी जितने भी मेरे नए व्यूवर हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज़ चैनल छोड़ के मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ज़्यादा लोगों को बताइए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना मत भूलिए। तो ये हमारी मशीन है, देखिए इस पर ये उल्टे हाथ की दिशा में ऐसे डायरेक्शन में इसको हम घुमाते हैं तो इसमें लॉक बन के कम्प्लीट हो जाता है। ये इधर मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, ये मोबाइल नंबर है, ऐसे ही स्केच से मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये मशीन क्या है, इसका वेट है 5 kg और ये टोटल क्या है, ये आपकी लोहे में है बट लोहे डाई स्टील होता है ना, लोहे से अच्छा क्वालिटी का लोहा, उसके ऊपर हमने निकल की पॉलिश करवा रखी है, पॉलिश की वजह से लेट हो जाती है मशीन, पॉलिश आने में टाइम लग जाता है, लेकिन पॉलिश का फायदा ये होता है कि आप देख पा रहे होंगे चमक मशीन की, इसमें जंग नहीं आएगी। तो अब इसमें लॉक कैसे बनाना है, चलिए एक मुद्दे की बात पे आते हैं। तो ये इसमें दो हमने दे रखे हैं होल, इन होल को आप इस मशीन को किसी भी टेबल पे कहीं भी फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद क्या करना है, ये देखिए काफ़ी सारे लॉक ये पहले से बना रखे हमने इससे डेमो, ठीक है। आपको क्या करना है, ये 18 गेज का वायर है, 18 गेज के हिसाब से बनवाई है, सेलम वालों ने, तो सेलम वालों की है ये, तो ये 18 गेज का वायर है। इस तार का टुकड़ा हमें लेना है 35 mm का, ठीक है सर, 35 mm का मतलब होता है 1.25 इंची। अब ये 35 mm का तार का टुकड़ा लेके आपको यहाँ लगा देना है। क्या करना है, ये जो गैप है ना मित्रों, ये गैप आपको दिख रहा है ना, थोड़ा क्लोज करो यार गैप दिखे, या उधर से कर दो, इसको ऐसे हमको इसको घुमा के बिल्कुल क्लोज कर देना है इस गैप को ऐसे, ठीक है। ये गैप हो गया बंद, अब ये गैप इधर से बंद हो गया, देखिए ये गैप हमारा बंद हो गया,
ये दोनों हमारे जो गुटके हैं ये गैप बंद हो गया, ठीक है, ये ऐसे हो जाने चाहिए फिक्स बिल्कुल, यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है, यहाँ से आगे आप इसको घुमाएंगे ये घूमेगा ही नहीं, तो ये यहाँ पे हो गया स्टॉप, ठीक है। स्टॉप होने के बाद अब आपको इसके अंदर ये आप देखिए, ये आपको जगह दिख रही है साफ साफ, तो ये तार का टुकड़ा लीजिए 35 mm का, इसके अंदर डाल दीजिए, और ये तार का टुकड़ा है ना इससे टच हो जाना चाहिए इधर, एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, ये इससे टच हो गया, इसको आपने डाल दिया, थोड़ा सा इसको नीचे दबा दीजिए। अभी क्या करना है देखिए, कमाल, पकड़ो बेटा, अब इसको आप ऐसे घुमाएगा, ऐसे, ये गलत हो गया, ऐसे घुमाना है सीधे सीधे हाथ की तरफ आपको घुमाते जाना है और ऐसे दबा देना है, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, ऐसे दबाने से, और इसको खोल के और किसी चिमटी वगैरह की सहायता से इसको बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए, ये अपना इसको आप निकाल लीजिए चिमटी वगैरह की सहायता से, और ये बन चुका है अपना लॉक, ठीक है। और बना के दिखा देते हैं, ये इधर हमने काफ़ी सारे बना रखे हैं, ये देखिए काफ़ी सारे बना रखे हैं, एक और लॉक आपको बना के दिखा देते हैं। तो अभी ये क्या था, ऐसे था, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से दिखाओ, अच्छे से देखे समझ में आई, इसको क्या करेंगे, इसको एंड में ले जाएंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा ये, ठीक है। स्टॉप होने से आप यहाँ देख पा रहे हैं ये होल हो गया, इसको या तार को यहाँ से फंसाइए, यहाँ इस पर टच हो जाना चाहिए, इसके ऊपर टच हो जाना चाहिए, इस तार, ये टच हो गया, फंस गया, आराम से फंस जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और फंसने के बाद ये दबा दिया, थोड़ा सा हमने ये दबा दिया, ठीक है, फंस गया, ये दबा दिया, यहाँ पर टच हो गया और ये इसमें फंस गया, नीचे दबा दिया। अब इसको हमको क्या है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ हमको इसको राइट में घुमा देना है, और ये कब तक घुमाना है, ये तब तक घुमाना है जब तक ये ऊपर करो, ये डंडी जो है ये अड़ नहीं जाए, यहाँ पे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वहां तक घुमाना है, ये स्टॉप हो गई, स्टॉप हो गई, अब देखिए ये कसा नहीं है, कसने के बाद अच्छे से आएगा, स्टॉप हो गई, अब इसको ऐसे कर देना है और इसको निकाल लेना है, बंद करो। तो ये निकाल लिया, अब देखो ये सब बन गए, बहुत सारे बन गए, ये देखो कितने सारे हमने बना रखे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको थोड़ा पंच करना है, तो आप इसको लीजिए किसी उस पे आयरन वगैरह पर रखिए और एक हथौड़ा मार दीजिए, बीच में अपनी मोर वगैरह जो भी पंच करनी है इधर मार दीजिए। अच्छा, इसके जो सिरे होते हैं, इसके सिरे हमेशा गोल होते हैं, ये गोल कैसे आते हैं वो भी आपको बताऊंगा मैं, कि जो तार आप लोगे ना, ये तार इसको लेने के बाद तार को 35 mm की बजाय 40 mm का, 38 mm का, 40 mm का काट लीजिए, ठीक है। इस तार को काटने के बाद तार को ये 40 mm का तार का टुकड़ा काटिए, अभी है 35 mm, तो 35 mm का तार का टुकड़ा काटेंगे तो लॉक बनेगा ऐसे, ऐसा लॉक, ठीक है। इस लॉक का सिरा गोल नहीं होगा, लेकिन इस लॉक का सिरा आपको गोल करना है, देखिए इसमें दिखा पा रहा हूँ, पाऊंगा मैं आपको शायद, आपको ये सोने की चेन है, इसका जो लॉक है देखिए, हमने अपनी मैडम के लिए बनवाई थी, बुर्ज खलीफा बोलते हैं इसको, तो अरे यार मोबाइल का बड़ा दिक्कत है भैया, DSLR कैमरा ही लेना पड़ेगा यार, मैं सोच रहा हूँ, बड़ी तंगी चल रही है यार कोरोना की वजह से, पैसा वैसा नहीं है। ये देखिए, तो इसका जो आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा गोल दिख रहा होगा आपको, तो ऐसा गोल करना है, तो सीधी सीधी बात है, 35 mm का 38 का काट लो, और गोल करना है 40 का काट लो, काटने के बाद इस जो इसका जो किनारा है ये इधर हीट मार दो, थोड़ी सी इधर हीट मार दो, ये दोनों किनारे हो जाएंगे गोल, सोना जाएगा गल, गोल हो जाएंगे, और इसके बाद इसमें लगा दो और इसको ऐसे करके घुमा दो, और भैया आपके जो लॉक तैयार हो जाएंगे इस तरह के, जो बुर्ज खलीफा में लगा हुआ है। अच्छा भैया, कल वीडियो बनाएंगे आपका बुर्ज खलीफा चैन के ऊपर, के बुर्ज खलीफा क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है दोस्तों। तो भैया जितने भी मेरे मित्र हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, 4000 लोगों का परिवार हो चुका है, सभी दोस्तों को, अच्छा ये मशीन देखो, इस पे मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, सभी दोस्तों को दिल से नए साल की, इतने सारे मैसेज आए हैं सभी भाइयों को, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, जितने लोगों को किया मैंने किया है, कोशिश की थी रात को, बट मैं बहुत सारे लोगों, ऐसे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे हमदर्द हैं, मेरे हमराई हैं, जो छूट गए हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नई साल की, उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हर्ष अव्यक्त करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि भैया सबके लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, विश्व के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए, एलियन के लिए भी, हमारा नया साल, आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो, ईश्वर की कृपा बनी रहे, ठीक है। अगर आप और किसी चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़
कमेंट करिए। हाँ, मशीन लेनी है तो नंबर आपको मेरा मशीन के ऊपर भी दिख रहा है और साइड में कोने में देखिए मोबाइल, मेरा मोबाइल नंबर फ्लैश भी हो रहा है। कॉल करिए, मशीन मिल जाएगी। अब ये थोड़ी सी लेट हो जाती है मशीन, वजह ये है कि हम इसको एक तो डाई स्टील से बनाते हैं, उसमें कटिंग में टाइम लग जाता है। दूसरी बात क्या है, मेन चीज़ हमारी ये है, हमारा ये जो इसमें निकल का वर्क किया है ना मशीन के ऊपर, बेटा लाइट ऑफ करो मोबाइल की, निकल का जो वर्क किया है ना, ये निकल की पॉलिश करवाने में हमें 10 दिन का टाइम लग जाता है, हफ्ते भर का तो लग ही जाता है, वो पॉलिश वाला ज़्यादा लेट कर देता है हमको, और कोई मजबूरी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो है मेरा इस चैन के ऊपर, बुर्ज खलीफा चैन क्या होती है, तो इसकी सारी जानकारी आपको दूंगा डिटेल्स में, इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ बुर्ज खलीफा के बारे में, और भैया देखिए। तो ये मशीन जा रही है हमारी सेलम, हमारे भाई साहब हैं, अब उनका नाम तो नहीं पता है, यहाँ से खोल के इसको मैं रख दूंगा, पार्सल कर दूंगा, ठीक है। और भैया मशीन की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, एक और खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एक मशीन और बनाई है, इसका उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये जो है ना इसके जितना है, उसमें पायल का आंकड़ा जो होता है ना, पायल का अट्ठा, वो अट्ठा बनाने की मशीन है, तो अभी उस पर काम चल रहा है, अभी वो सक्सेसफुल जैसे ही होती है उसका वीडियो बना के डालेंगे, आपको दिखाएंगे। तो सभी दोस्तों से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया जो भी नए व्यूअर हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला बटन दबा दें, वीडियो को सभी हमारे जितने भी सोने चांदी की लाइन से जुड़े हुए मित्र हैं उनके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले भैया। और मशीन जिसको भी चाहिए वो फ़ोन करिए, आपके आदेश का इंतजार करते हुए नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करते हुए आपका अपना जेके चैन सोल्यूशन आगरा परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है और ईश्वर से मंगलमय नए साल की कामना करते हुए जय हिंद।